Hi, welcome back to the channel Shipra Mishra and this is Shipra Mishra. I hope आपको deep water अच्छा लगा होगा <laughs> So इसी के साथ में अभी हम लोग flamingo का poetry section finally start करने वाले हैं वैसे तो मैंने सोचा था कि poetry section को एक ही साथ में cover कर देती हूँ but then फिर मैंने सोचा कि हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों को कुछ poems जो है वो clear होंगी और कुछ जो है वो नहीं आती होंगी तो इनको separate रखते हैं शूट तो एक ही साथ करूंगी पर आपको सेपरेटली दे दूंगी ताकि से आप लोग अपने हिसाब से आपको जो भी पोअम पढ़नी हो आप पढ़ सको सो so, सबसे पहले तो हमारे सामने जो पोअम है वो है माई मदर एट सिक्सटी सिक्स इस पोम को लिखा है कमला दास ने आपको पता ही है कि मैं हमेशा आपको ये बोलूंगी कि, कि कोई भी जो भी आप चैप्टर पढ़ते हैं जो भी आप पोम पढ़ते हैं कोशिश कीजिए कि आप जितना हो सके उतना यू नो you know, उसके ऑथर के बारे में पोएट के बारे में जाने या फिर कम से कम उनका नाम तो कम से कम आप याद रखें तो so, कमला दास आ, ने इस पोम को लिखा है पोएट्री सेक्शन के भी मेरे पास हैंड रिटन नोट्स थे बट ऑनेस्टली मेरे को इसमें थोड़े से पोएटिक डिवाइसेस वगैरह भी कवर करने थे तो इसके लिए मैं मेरे वाले नोट्स ही ले आई ऑल्सो एक चीज बताना चाहती हूँ आपको कि पोएट्री डिज के लिए घबराइए मत क्योंकि उसके लिए मैं अलग से आपके लिए वीडियो बना दूंगी और उसमें वो कवर हो जाएगा सो so, जितने यहां पे कवर हो रहे हैं उतने हो रहे हैं और इसके अलावा भी जो अगर आप ऐसे अटपटे से नाम सुनते हैं आपको डरने की जरूरत नहीं है वो भी मैं कवर कर दूंगी तो चलिए फिर इसी बात पे शुरू करते हैं हमारे क्लास को सो माई मदर एट सिक्सटी सिक्स हमारी पोव है इसे लिखा है आ, कमला दास ने जो कि इसकी पोइट हैं और कमला दास ने इस पोम के अंदर डिस्कस की है कि कैसे हम लोग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यू नो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स आर पेरेंट्स और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी और साथ ही साथ में अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे हम लोग डिसाइड करते फाइट करते और कैसे अपने सामने देखते हैं एक इनएविटेबल नेचर यू नो एक लॉ को नेचर के और कैसे हम उसमें फाइट करते हैं उसके थ्रू यू नो सो आई जस्ट पुट एवरी थिंग इन ऑर्डर जैसे मैंने बोला वो मैंने सोचा मैं कुछ सस्पेंस वर्क करा रखू पर मैंने यार, तीन पेपर है सस्पेंस एनी वे सो ये जो पोअम है इस पोम की थीम जो है वो एजिंग है या फिर ओल्ड एज आप इसका थीम मान सकते हैं एजिंग या ओल्ड एज इसका थीम रहेगा और किस तरीके से लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस से आप लाइफ की आ, एक इनएविटेबिलिटी को देखते हैं जो कि है डेथ जो हम लोग हरा नहीं सकते की शुरुआत कुछ इस प्रकार है सो so, सबसे पहली लाइन में बोलती है ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोच लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माय मदर बिसाइड मी अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाला जो लाइन है ये बताता है कि कमला दास खुद ड्राइव कर रही थी अब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आप जब ओपन सोर्स से क्वेश्चन करते हैं आप किसी साइट पे देख रहे हैं आपने कोई तो यू uh, नो you know, किसी तो ऐसे नॉर्मली uh, किसी ने तो आपको बता दिया है तो इस तरीके के क्वेश्चन तब पूछे जाते हैं बोर्ड अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ये नहीं पूछेगा कि आखिर का ड्राइव कौन कर रहा था बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो कि इससे बन सकती हैं और आपने सैम्पल पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन नहीं देखे होंगे जो कि बहुत अच्छा डायरेक्शन है इंडिकेशन है इसकी तरफ कि बोर्ड किस तरीके के क्वेश्चन दे सकता है अब ये ड्राइविंग को uh, बताया गया है कि एक्चुअली uh, कमला दास ड्राइव करी थी बट देन uh, बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं और दिमाग में ऐसे हैं। पता नहीं कौन ड्राइव कर रहा है ऐसे कैसे हो सकता है सो एनीवे लेट्स नॉट गेट डेप्थ ऑफ इट सो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम उन्होंने बोला मैं मेरे घर मेरा घर is, मेरे पेरेंट्स के घर से कहाँ जा रही थी कोचिंग जा रही थी ना इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार कोचिंग में कौन था कोचिंग में उनके पेरेंट्स थे उनके पोय थे इंटरप्रिटेशन जो सी बी एस ई निकालता है इसकी वो आ, ये अपने खुद के घर जा रही थी एयरपोर्ट जा रही थी बोला लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग की बात है जब मैं कोचिंग जा रही थी मैंने देखा मेरी मम्मा को बिसाइड मी यू you नो know? उन्होंने देखा अपनी मॉम को साइड में और जब अपनी मॉम को साइड में देखा तो उन्होंने देखा कि वो एक यू नो झपकी ले रही थी डोज ऑफ का मतलब होता है झपकी ले लेना सो जाना नींद आ जाना बट ये इतना ज्यादा ऐसा नहीं होता एकदम गहरी नींद हो गई है तो वो एक झपकी ले चुकी थी डोज ऑफ मतलब वो सो गई थी ओपन माउथ है जो कि ये बताता है कि उन्हें शायद कोई रेस्पिरेटरी इशू था तो अगर आपको कोई रेस्पिरेटरी इशू होता है तब ऐसा होता है या फिर अगर आपकी एज आ गई है बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा इलनेस की वजह से ऐसा होता है आप सांस नहीं ले पाते हो एंड देन यू यू नो आप सांस लेने लगते हो मुंह खोल के तो वो मुंह खोल के सो रही थी और उनका जो फेस था उनका जो फेस था वो इतना ज्यादा डल हो गया था वो इतना ज्यादा डल हो गया था ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने अपना कलर ही खो दिया हो, ऐसा लग रहा था जैसे उस फेस ने अपना कलर ही खो दिया होती है राख ग्रे कलर की, उसको हम कलर नहीं बोलते, उसमें कोई कलर नहीं उसमें कोई टिंक नहीं उसमें कोई ब्लश नहीं है सो so जैसे वो राख होती है ना एग्जैक्टली वैसा उनकी ममा का फेस था बोला ऐसा लग रहा था जैसे कि ये कलर लेस कलर लेस उनका फेस हो गया है जैसे कि एक डेड बॉडी का फेस हो एक डेड बॉडी का फेस फिर नेचुरली ऑब्वियसली वो डेड है इसके लिए खून का रोटेशन नहीं होता है और कलर चला जाता है और वो जो एक ब्लश होता है वो चला जाता है तो एक डेड बॉडी का जैसा फेस होता है ना जिसके अंदर कोई कलर नहीं है एग्जैक्टली exactly वैसा ही फेस पोयट की ममा का लग रहा था उन्होंने अपनी ममा के फेस को डेड बॉडी के फेस के साथ में कंपेयर किया है जहाँ पे भी आप कंपेरिजन देखते हो लाइक और एज के साथ में तो लाइक और एस के साथ में कंपेरिजन देखते हो तो आपको मिलती है सिमिलियर दो चीजों को कंपेयर किया है लाइक और एस के साथ में तो मिलता है सिमिली तो यहाँ पे लाइक आ, आ, का यूज करके पोएट ने अपनी ममा के फेस को दैट इज डेड डेड बॉडी बॉडी के के फेस को कंपेयर किया है तो बोला कि ये ये फेस जो है ये एक्चुअली दोनों एकदम सिमिलर थे एंड रियलाइज विथ पेन जब आप अपने मॉम डैड को देखते हो देखो आप अपने बचपन से अपने मम्मी पापा को देखते आ रहे हो आपने उनको हर तरीके से देखा है अपने उनका यूथ uh, का हाइएस्ट uh, पॉइंट देखा है बिकॉज वेन यू वो बॉर्न तब वो अभी यू नो दे दे गॉट मैरिड एंड यू नो अभी उनके अंदर वो है एंड फिगर है एंड एनर्जी है दे इज टू प्ले विथ यू एंड टॉक यू एंड सो मैनी अदर थिंग्स बट अब आप धीरे धीरे उन्हें देखने लगती हो कि उनकी तबीयत खराब रहने लग रही है वो बूढ़े हो रहे हैं उनकी फेस वैसा नहीं रहा वो चांक खो गया आप डर जाते हो आपको दर्द होता है और वो इसके लिए होता है बिकॉज आपको ये फील होता है कि यार ये चले जाएंगे क्या मतलब क्या मैं मेरी माम को वापस नहीं मिलूंगा मैं वापस मेरी माम से नहीं मिल पाऊंगी क्या क्योंकि वो पेन एक बार देखकर कि ये बूढ़े हो रहे हैं, सिर्फ एक ही चीज दिमाग में आती है कि वन डे दे गोए और वो पेन कोई भी नहीं फील करना चाहता नो बडी ऑन दिस प्लान नोबडी जो कि ये फील करना चाहता हो जो कि इसे फेस कर सकता हो बिकॉज को खोना जिंदगी का सबसे बड़ा लॉस होता है और खास करके अगर वो आपकी मॉम हो आपके डैड हो जिन्हों जिनके साथ में आपका पूरा लाइफ गया है जिनसे आप आए हो आपका ओरिजिनेशन हुआ है आप उनको जब ऐसे देखते हो तो आप टूट जाते हो आप पेन में आ जाते हो नो मैटर कितने भी डिफरेंसेस हो, या फिर क्या भी प्रॉब्लम हो यू जस्ट वांट टू स्टे इमेजिन करना बहुत पेनफुल होता है जब पोएट ने अपनी मॉम के फेस को देखा तो उन्होंने अपनी लाइफ को अपनी मॉम के बिना इमेजिन किया उन्हें लगा कि अब अब उनकी जिंदगी में उनकी मॉम नहीं रहने वाली है एंड क्योंकि उनकी मॉम वहां नहीं रहने वाली हैं ऑब्वियसली वो खुश नहीं होंगी वो बहुत पेन में थी बहुत पेन में उन्हें लग रहा था यार ऐसा क्यों है मैं ही क्यों मतलब यू नो एक ऐसा होता है ना कि यार मैं ये क्यों फेस कर रही हूँ ऐसा नहीं हो सकता आप बिलीव नहीं करना चाहते हो आप भुल, भुल, भुल। मुझे नहीं सोचना नहीं ममा चुप हो जाओ आप ऐसी बातें मत करो जब भी हमारे ऐसी बातें होती है कभी हम लोग ऐसे कोई एक सीन देख लेते हैं या कोई भी ऐसे डिस्कशन होता है तो मन चुप हो जाओ ममा ऐसी बातें मत करो आप ऐसे क्यों बोलते हो

आप नहीं सोचना चाहते हो कि वो बूढ़े हो रहे हैं आप नहीं सोचना चाहते हो कि वो आपके साथ में नहीं रहेंगे एंड अभी जो पोएट ने ये रियलाइज किया कि वो उतनी ही बूढ़ी थी मतलब वो जितनी दिख रही थी वो सच में बूढ़ी हो रही थी वो सच में उतनी ही बूढ़ी थी जब उन्होंने ये देखा तो उन्हें एक ही बार में ये रियलाइज हो गया कि oh God, वो माई गॉड चीज फील टू गो अवे वो चली जाएंगी और जैसे ही उन्हें वो रियलाइजेशन हुआ उन्होंने सोचा कि मुझे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना है क्योंकि आप ऐसे नेगेटिव थॉट्स के साथ में आप शिवर करने लगते हो आपको ऐसा लगता है कि आपका असेंस चला गया है मतलब आपकी बॉडी हॉलो हो गई है और वो जो फीलिंग थी ना वो फीलिंग सरियल थी ऐसी फीलिंग जो आपको आपको घूसबम्स दे दे ऐसी फीलिंग जो आपको आपको रुला दे केपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग योर लाइफ बिकॉज यू हैव सीन योर पेरेंट्स लाइक दुनिया में अगर किसी के साथ में आपका रिलेशनशिप है तो आपके पेरेंट्स के साथ में है। उठना बैठना रोज और इतनी साल आपने उनके साथ निकाले हैं और इसी तरीके की फीलिंग को अवॉइड करने के लिए वो बाहर देखती हैं उस थॉट को हटा देना चाहती है डिस्ट्रैक्ट कर लेना चाहती है आप सोचते हो कभी-कभी सोचते रह जाते हो एंड देन आपके दिमाग में कोई तो नेगेटिव थॉट आता है देन यू लाइक यार इंस्टाग्राम चला लेते हो एग्जैक्टली ऐसा उन्हें फील होता है और इसीलिए अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो यंग ट्रीज को देखती है वो बाहर देखती है और बाहर उन्हें दो चीजें दिखती है एक तो उन्हें देखने को मिलता है यंग ट्रीज प्रिंटिंग और दूसरा उन्हें देखने को मिलता है मैरी चिल्ड्रन चिल्ड्रपिलिंग अब यंग ट्रीज प्रिंटिंग ये जो यंग ट्रीज हैं, ये डिनोट करते हैं टाइम को कि किस तरीके से वक्त चला गया कि अभी कली तो मैं छोटी थी कली तो मम्मी इतनी ज्यादा यंग थी ये, ये आपके फेज को डिनोट करता है कि लाइफ में एक ऐसा फेज आया और ऐसा फेज चला गया ये डिनोट करता है कि कैसे आपकी लाइफ एकदम से बदल गई क्योंकि आप अभी तो छोटे थे और अभी आप एडल्ट हो गए और अभी आप ओल्ड एज में चले गए हो यहाँ पे जब पोएट ने देखा इन ट्रीज को स्प्रिंट करते हुए भागते हुए क्योंकि वहीकल आगे जा रहा था और ट्रीज पीछे भागे जा रहे थे तो उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे टाइम छूटे जा रहा है लाइफ पीछे जाए जा रही है और जैसे ही उन्होंने ये देखा जैसे ही उन्हें ये फील हुआ वैसे ही उन्हें पता चला कि उनकी मम्मा का एकदम ऑपोजिट है ये क्योंकि ये ट्रीज अभी यंग है फुल ऑफ यूथ फुल ऑफ विगर फुल ऑफ फुल ऑफ एनर्जी लाइफ उनकी ममा ओल्ड है सिक है, कोई एनर्जी नहीं है बहुत ही ज़्यादा ट्रीज ट्री, ट्री है भागेंगे तो नहीं तो जब भी किसी हम ऐसी चीज को ह्यूमन क्वालिटी देते हैं तो हम उसे बोलते हैं तो यहां पर्सोनिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा मेटाफर देखने को मिलेगा क्योंकि ममा के साथ में कंपेयर किया है और आपको इमेजरी देखने को मिलेगी क्योंकि जैसे ही मैंने बोला कि ट्रीज भाग रहे थे आपने इमेजिन कर लिया आपकी उस मेमोरी को जिसके अंदर आपने सच में देखा है ट्रीज को भागते हुए तो आप ऐसी किसी चीज को जब इमेजिन पोएट करवाते हैं तो उसे हम इमेजरी कहते हैं तो ये तीन चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी तीनों ऑप्शन में आते हैं तो परसोनिफिकेशन को टिक करना है बताते है कि children, children, खिल बच्चे, जो है वो अपने अपने घरों से बाहर आ रहे थे तो एकदम से ना वो एकदम से खुश बच्चे जो है वो घर से बाहर निकल रहे थे खिल रही थी कूद रहे थे, थे। स्पेलिंग का मतलब नहीं है तो बताऊ क्या सो okay. so, सबसे पहले तो आप किचन में जाए और एक कंटेनर लो जिसके अंदर चीनी या दाल होनी चाहिए फिर उसको ऐसे कर दो और वो चीनी और दाल जो है लुड़क 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 कर कर करके ऐसे ऐसे लुड़क लुड़क के बाहर आ जाएगी स्पिल हो जाएगी बिखर जाएगी हाँ आपको एक बहुत ही भयंकर चाटा मिलेगा बट वो स्पिल हो जाएगी स्पिलिंग का मीनिंग समझ में आ जाएगा तो ये बच्चे वैसे ही अपने घरों से बाहर निकल रहे थे तो मेरी चिल्ड्रेन वर स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स और ये दोनों चीजें जो है मेरी चिल्ड्रन के अंदर आपको मेटाफर देखने को मिलेगा क्योंकि मेरी चिल्ड्रन जो है आ, वो खुशी दिखाते हैं चाइल्डहुड दिखाते हैं दैट इज यूथ दिखाते हैं एनर्जी दिखाते हैं सो so, ये सब कुछ मॉम के टोटल कॉन्ट्रास्ट में था एंड दैट इज वाई यहाँ पे आपको मेटाफर देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी इमेजरी तो ये दोनों उन्होंने देखा और इन दोनों को देख के वो ज्यादा कुछ खुश नहीं हुई इनफैक्ट उन्हें याद आया कि उनकी ममा अब ऐसी नहीं है वो और ज्यादा पेन में में आ गई आप सोचो उसके बाद में, जैसे ही उन्होंने एयरपोर्ट का सिक्योरिटी चेक क्रॉस किया जैसे ही एयरपोर्ट का सिक्योरिटी चेक उन्होंने क्रॉस किया और उन्होंने फिर से एक बार सोचा यार एक लास्ट बार मम्मा को देख लेती हूँ और मम्मी को देखा मम्मी वहां पर खड़ी थी कुछ याद दूर वो वहां पर थी एकदम खड़ी थी उन्हें बाय कहने आई थी इसलिए फेस जो है वो कितना डल है कितना ज्यादा पेल है जो डर के मारे हो सकता है या बीमारी के मारे हो सकता है बोला या तो आप बीमार हो खून की कमी है या आप डर गए हो तो फिर से उन्होंने उनके फेस को देखा अब बाय कहने के लिए उन्हें क्योंकि अब सिक्योरिटी चेक को पास कर चुकी थी और देखते ही उन्हें लगा उनका फेस कितना डल है कितना पीला पड़ चुका है उसके अंदर वो ब्लश वो शाइन वो ब्राइटनेस वो शिमर नहीं है क्या अब उनकी ममा वैसी नहीं दिख रही है जैसी वो दिखा करती थी और जैसे ही उन्होंने अपनी ममा के फेस को देखा उन्होंने कंपेयर किया ममा के फेस को लेट विंटर्स मून से उन्होंने देखा वो कितनी ज्यादा पेल और कितनी ज्यादा uh, you know, लग रही थी डल लग रही थी और फिर उन्होंने बोला ये तो एकदम वैसा है जैसा कि एक लेट विंटर्स मून होता है ये लेट जो है ये नाइट है विंटर जो है ये एक्चुअली एंड है so, ये season का end है दैट इज एक एंड साइकिल है फॉल सीजन डेथ बताता है और मून जो है ये भी डेफिनेटली नाइट है तो बोला ये तीनों चीजें जो है अगर हम देखें तो आप चाहे नाइट देख लो चाहे आप विंटर देख लो ये दोनों दोनों तीनों चीजें जो हैं ये एंड दिखाती है खत्म दिखाती है जो कि एक्चुअली डेथ दिखाता है इसका कोनोटेशन जो है वो नेगेटिव है कभी भी कोई पोएट इनका इस्तेमाल खुशी भरी चीज दिखाने के लिए नहीं करेगा इनका कॉनोटेशन जो है वो नेगेटिव होता है तो उन्होंने बोला कि जैसे एक विंटर्स मून नहीं होता सर्दियों का मून एकदम जैसे कॉफी घुलते वैसा हो जाता है एकदम ब्लर सा एकदम क्लीन जितना जितना साफ वो दिखता है या जितना ब्राइट वो दिखता है जैसे वो शाइन करता है समर्स में exactly वैसा वो शाइन नहीं करता है विंटर्स में विंटर्स में उसके आगे मिस्ट आ जाती है तो वो ब्लर हो जाता है उसकी खूबसूरती छुप जाती है एग्जैक्टली exactly वैसी ममा थी वो यूथ थी आ, मतलब वो यंग थी उनके अंदर यूथ था विगर था और वो इतनी एनर्जेटिक थी पर ये ओल्ड एज का मिस्ट उनके सामने आ गया और एकदम मून के जैसे दिख रही है डल जिसने अपना शिमर अपने ब्राइटनेस अपना विगर खो दिया और जैसे ही उन्होंने अपनी ममा को यहाँ पर देखा जैसे दैट इज एज दैट इज सिमिली जैसे ही उन्होंने अपनी मम्मा को लेट विंटर्स मून से कंपेयर किया अपनी मम्मा को देखा वैसे ही उन्हें एक फमीलियर एक महसूस हुआ एक जाना पहचाना दर्द ये जाना पहचाना दर्द उनके बचपन का फियर था बचपन का डर था एक छोटा बच्चा अपनी मम्मा से कभी दूर नहीं होना चाहता है मम्मी की शर्म जाना है मम्मी को सो ये ये जो बच्चे बच्चे होते हैं ना मम्मी को नहीं खो सकते वो एक्चुअली रियल होता है क्योंकि आप अब बचपन में अपना कनेक्शन अपनी मम्मा के साथ में जानते हो एंड वही कनेक्शन का जो लॉस होता है ना जो मैं सब तो नहीं मेरी मम्मा चली जाएंगी एग्जैक्टली exactly वही बचपन का दर्द वही बचपन का डर उनके सामने आ गया था वही दर्द उन्होंने फील किया और जैसे ही उन्होंने वो फील किया शी वॉन्टेड टू क्राई शी वॉन्टेड टू टेल हर मदर मॉम प्लीज ओ आई वॉन्ट टू स्पेंड

आंखें ऐसी हो गई है कि बस अभी बस देख नहीं पा रही है मम्मा को वो हॉलो स्माइल वो झूठी स्माइल लेकर आई और बोलती है सी सी यू यू सून सून अम्मा was, soon, अम्मा बट ऑल आई सेड जो कि चीयरफुल ऑप्टिमिस्टिक फेयरवेल है कि मम्मा मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगी पर कितना आयरॉनिक है क्योंकि उन्हें पता भी नहीं है कि वो अपनी मम्मा से एक्चुअली कब मिलेंगी वो सी यू सून अम्मा बोलती हैं जबकि उन्हें पता भी नहीं है और उन्होंने सिर्फ एक बहुत ही बहुत ही बड़ी सी स्माइल दे दी हॉलो से दर्द से भरी हुई अंदर पेन है बट वो स्माइल एक चेयरफुल फेयरवेल के लिए थी ताकि वो अपनी मम्मा को खुश कर सके आपकी खुशी में आपके पेरेंट्स की खुशी होती है और इसीलिए शायद पोएट ने भी यहाँ पे छोटा मोटा स्माइल कर दिया और इसके साथ में बॉम्ब खत्म हो गई अब बहुत सारे इंटरप्रिटेशन इसके निकल सकते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के आगे हार चुकी थी कमला दास अपनी पेरेंट्स के साथ रहना चाहती थी बट देन एक एक लड़की का लाइफ के अंदर ना हर जगह टेस्ट होता है यू वॉन्ट टू स्टे विद योर पेरेंट्स बट देन यू हैव योर ओन फैमिली टू लुक आफ्टर एंड ये जो टेस्ट था एंड <clears throat> ये जो टेस्ट था इसमें उन्हें उन्हें ये लगा कि ऑल शी कैन डू इज शी कैन जस्ट यू नो इन इनफ्यूज पॉजिटिविटी इन हर मदर और बस वही उन्होंने किया एंड शी वेंट अवे So, ये बताती है कि एक्चुअली ओल्ड एज कितना ज्यादा इनेविटेबल है डेथ कितनी ज्यादा इनेविटेबल है और लाइफ ट्रूथ है डेथ ट्रूथ है आपके सामने है एंड रिलेशनशिप्स uh, कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकती है बट कुछ अगर स्टैग्नेंट है कांस्टेंट है तो वो है आपका प्यार आपकी मॉम uh, के लिए अपने लव ट के लिए स्माइल को तीन बार रिपीट करके हमें स्माइल की हॉलोनेस के बारे में पता चला है कि कितनी ज्यादा हॉलो थी ये स्माइल यहाँ पे आपको रेपिटेशन देखने को मिलेगा एक वर्ड को पोएट ने तीन बार रिपीट किया है वो इसके लिए किया है क्योंकि वो बताना चाहती है कि ये जो स्माइल थी ये हॉलो थी अगर वो ये नहीं करती तो हमें कैसे पता चलता इसके लिए तो वो ये करना चाहती है इसीलिए यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा रेपिटेशन इसके साथ में माय मदर एट सिक्सटी सिक्स बाई कमला दास हो गया कंप्लीट और ये आपकी पहली पोम थी जब आपने पहली बार पढ़ा भी होगा मज़ा आया होगा आई होप अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो वीडियो को लाइक कर दो और एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम क्लासरूम इन ए स्कूल के लिए तैयार हो जाओ आई सी यू देर बाय बाय